ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तराखंड पंथ नगर में स्थित हरित क्रांति की जन्म स्थली गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में, जहां 10 फरवरी 2017 को एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का नाम था नेशनल कांग्रेस ऑन कैनाइन प्रैक्टिस। इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस के आयोजक रहे पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री डॉक्टर ए के उपाध्याय जी। इस कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन के संयोजक रहे कवि डॉक्टर विकल बहराइची और कवि डॉक्टर ओ एस मिश्रा जी। इस वीडियो के आखिर में डॉक्टर के पी सिंह विकल बहराइची और डॉक्टर ओ एस मिश्रा जी को सुनना ना भूलें। आइए देखते हैं इस कवि सम्मेलन का ये वीडियो। के संयोजक मैं आदरणीय केपी सिंह जी ने एक शेर पढ़ दीजिए आप। एक शेर पढ़ करके केपी सिंह जी मैं निवेदन करूं, एक बार जोरदार तालियां केपी सिंह जी का स्वागत। एक शेर पढ़िए। हाँ पढ़िए पढ़िए। अरे क्या बात है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। कोई बात नहीं। स्वागत। जितने लोग हैं, कार्यकर्ता हैं या जो भी हैं, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इतना वक्त दिया और चार पंक्तियां, चूंकि स्टार्टिंग भी ऐसी हुई थी और स्वागत अच्छे से, और मैं चाहता हूं समापन भी इसका हो तो कुछ ऐसे सार्थक शब्दों से हो। स्वागत स्वागत। कि चरण माँ बाप के धोकर खुशी से झूम लेता हूँ, हमेशा साथ रहकर धाम चारों घूम लेता हूँ, मुझे मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं अपनी माँ के चरणों को अदब से चूम लेता हूँ। मैं अपनी माँ के चरणों को अदब से चूम लेता हूँ। कभी सम्मान की पगड़ी उछाली ही नहीं जाती, कि मर के भी जुबा माँ बाप की टाली नहीं जाती। कभी भी भूल कर माँ बाप के दिल को दुखाना मत, दुआ या बद दुआ माँ बाप की खाली नहीं जाती। क्या बात है दोस्तों। बदलते वक्त के संग बदगुमानी छूट जाती है, उम्र की दौड़ में पीछे जवानी छूट जाती है, और ये धरती बपौती है नहीं, पूछो सिकंदर से, आती है कजा और जिंदगानी छूट जाती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। दोस्तों चार पंक्तियां सुनेगा कि भला मैं भी था, भला मैं भी था मजबूरी में, लेकिन मैं कसी कर ली, जलाकर खुद के दिल को धड़कनों ने आतिशी कर ली, मुझे आगोश में तन्हाइयों ने रख लिया, जब से मैं जिंदा तो रहा पर दिल ने मेरे खुदकुशी कर ली, मैं जिंदा तो रहा पर दिल ने मेरे खुदकुशी कर ली। दोस्तों चार पंक्तियां और स्वागत, चूंकि बस आप ही लोग सुन रहे हैं तो आप सुनते रहिए, मैं सुना रहा हूँ आपको। स्वागत स्वागत स्वागत। खाना भी खाना है और इसके पश्चात शेर सुनिएगा। स्वागत स्वागत। एक मतलब एक शेर देखिएगा कि जो मेरा हो नहीं सकता तुम्हारा हो न पाएगा, जो मेरा हो नहीं सकता तुम्हारा हो न पाएगा, अंधेरी रात का जुगनों सितारा हो न पाएगा, अंधेरी रात का जुगनों सितारा हो न पाएगा। कि मना लो तुम भले ही जश्न बेटों के जन्मदिन पर, क्या बात है, कि मना लो तुम भले ही जश्न बेटों के जन्मदिन पर, मगर बेटी के जैसा वो सहारा हो न पाएगा, मगर बेटी के जैसा वो सहारा हो न पाएगा। दोस्तों आपने अगर पढ़ने की अनुमति दी है तो एक एक जो हमने कविता लिखी है या गजल लिखी है आप देखिएगा, मैंने नेताओं पर लिखी है और मैं चाहता हूँ कि उसको पढ़ दूं ताकि आप भी सुने और कुछ हमको सलाह भी देंगे कि क्या मैं इसको भविष्य में पढ़ सकता हूँ कि नहीं। पंक्तियां सुनेगा कि करूँ तो किस तरह तुम पर सदा एतबार नेताजी।
करूं तो किस तरह तुम पर सदा एतबार नेताजी, भरोसे को है तोड़ा आपने हर बार नेताजी। शायद खाली सुल्तानपुर साहब जो कहना चाह रहे थे मैं उसको कह देता हूँ कि हमारी सुध तलक नाली मुसलसल पांच सालों तक, हमारी सुध तलक नाली मुसलसल पांच सालों तक, दिखे तुम फिर जब आया वोट का त्योहार नेताजी, दिखे तुम फिर जब आया वोट का त्योहार नेताजी, सुना था तुम मसीहा हो सभी बेघर गरीबों के, सुना था तुम मसीहा हो सभी बेघर गरीबों के, मगर सच में ही तुम निकले बहुत गद्दार नेताजी, मगर सच में ही तुम निकले बहुत गद्दार नेताजी। बहुत संजीदा शेर तकी साहब स्वागत, सुनेगा कि मिटाने को गरीबी भूख मरी वादे किए तुमने, कि मिटाने को गरीबी भूख मरी वादे किए तुमने, मगर निकले नहीं तिल भर भी तुम खुददार नेताजी, मगर निकले नहीं तिल भर भी तुम खुददार नेताजी। एक दर्द जो गरीबों का दर्द होता है, जो उस जनता का दर्द होता है जो उस वोट देने के पश्चात वो आपसे उम्मीद रखती है, उस दर्द को शेर के रूप में बोलता हूँ। साहब सुनेगा कि कमा कर रोज नाला श्रीकांत सर जी स्वागत जी, कमा कर रोज नाला तो चूल्हा ही नहीं जलता, क्या पैसे कमा कर रोज नाला तो चूल्हा ही नहीं जलता, मेरे जीवन में होता ही नहीं इतवार जिंदाबाद। दोस्तों आप त्योहार मनाते हैं कि छुट्टियां मनाते हैं, वो गरीब कभी कोई छुट्टी नहीं मनाता, और अगर शाम तक कमाए ना तो उसके बच्चे भूखे सो जाते हैं। शेर बोलता हूँ सुनेगा, स्वागत स्वागत स्वागत। कि मरी है भूख से ही माँ पिताजी अस्थि पंजर, मरी है भूख से ही माँ पिताजी अस्थि पंजर है, कि आती मौत भी डर डर के मेरे द्वार नेताजी, कि आती मौत भी डर डर के मेरे द्वार नेताजी। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा विधायक चुन के आना चाहिए कि पड़े जब भी जरूरत तो लड़ेगा जंग सरहद पर, पड़े जब भी जरूरत तो लड़ेगा जंग सरहद पर, विधायक चुन के आएगा वही इस बार जिंदाबाद जिंदाबाद। और मकसद सुनेगा कि ये हमने कलम से ही हजारों कर कलम अब तक शर्मा जी जी, कि ये हमने कलम से ही हजारों सर कलम अब तक, विकल रखता सदा ती के कलम की धार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत अभिनंदन, आप लोग इतना समय दिए, बहुत बहुत स्वागत। और तारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, सब भोजन के लिए सादर आमंत्रण। सामंजस्य स्थापित करना और मेरा उद्देश्य यह है इस साहित्य के लिए कि जिधर से दिल तेरा चाहे उधर से तुम चले आना, नहीं कोई है दरवाजे बिना पूछे चले आना, हमारे दिल की बस्ती में है मस्जिद भी शिवालय भी, इधर से वो चले आए उधर से तुम चले आना। ये मेरा उद्देश्य है इस कवि सम्मेलन के आयोजन का, जिसमें कौमी एकता, जिसमें तमाम ऐसे लोग जहां देश विदेश के तमाम कौम के लोग यहां उपस्थित थे, उनके बीच जो सराहना मिली और जो मोहब्बतें मिली, ये निश्चित रूप से साहित्य के प्रति एक जीत है। शुक्रिया।
अच्छा कार्यक्रम लगा। चूंकि अब कभी लोग यहाँ से जा रहे हैं, उनके लिए दो शब्द कहना चाहता हूँ कि दर्द दे जाती हैं उनकी यादें, दिल की धड़कन संभलती नहीं है, ये मोहब्बत भी बड़ी बेशरम है, मेरे दिल से निकलती नहीं है। फिर उनको मैं स्वागत करूँगा, फिर कभी वक्त मिलेगा तो इस प्रकार का आयोजन होता रहेगा। मैं आपको और हमारे बीच आप कैमरामैन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर किसी और कवि सम्मेलन या मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप और कॉन्टेक्ट नंबर है 9999740286। वेबसाइट है mushairalive.com। इजाजत दीजिए, मैं शफी खान वक्त मीडिया के लिए पंतनगर उत्तराखंड से।